हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स मंत्रा भाई नवीन सर के अंदर। आज हम इस गाड़ी को लेकर चलते हैं आपके क्लास फोर चैप्टर टू की ओर। चैप्टर टू का नाम हमारा प्लेस वैल्यू सिस्टम। चैप्टर टू में हमने पहले पढ़ा था नंबर्स और ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, लार्जर नंबर्स के बारे में बात की थी। अब हम बात करने वाले हैं प्लेस वैल्यू सिस्टम के बारे में। तो कभी कभी हमें पता होगा नंबर को रीड करना बहुत टफ हो जाता है, तो नंबर्स को रीड करने के बारे में सीखेंगे और प्लेस वैल्यू के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेने वाले हैं। तो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा, इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट टू रीड द नंबर्स। हमें पता है कभी कभी नंबर्स को रीड करना थोड़ा क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है क्लास फोर्थ के बच्चों के लिए। तो आज हम सीखने वाले हैं नंबर्स को रीड कैसे करते हैं, कब डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्ट टू रीड द नंबर्स वेन एवर देर आर मैक्सिमम डिजिट्स। जब नंबर्स में डिजिट क्या आ जाए, बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, मैक्सिमम हो जाए इन अ नंबर। टू मेक इट सिंपल, हम क्या करने वाले हैं, इसको सिंपल करने वाले हैं। टू मेक इट सिंपल द नंबर्स आर ब्रोकन अप इन पीरियड्स। हम क्या कर देंगे, नंबर्स को ब्रोकअप कर देंगे, यानी कि तोड़ देंगे पीरियड्स के अंदर। तो आज हम पढ़ने वाले उन्हीं पीरियड्स के बारे में बात हम करने वाले हैं। तो हम जो पीरियड तोड़ने वाले हैं, दो पीरियड हमारे पास, पहला पीरियड है वंस और दूसरा पीरियड है थाउजेंड। और ब्रेकअप किससे करेंगे, सेपरेटेड बाय अ कॉमा। हम कॉमा से क्या करेंगे, दो नंबर्स को सेपरेट कर देंगे ताकि हमें लगे कि ये हमारा पहला पीरियड है और ये हमारा दूसरा पीरियड है। तो बात करते हैं, तो पीरियड्स क्या होते हैं हमारे, वंस पीरियड और दूसरा है हमारा थाउजेंड्स। वैसे आगे बढ़ेंगे तो और भी पीरियड्स आने वाले हैं, जिसकी जानकारी हम इसी वीडियो में आने वाले टाइम में लेंगे। तो बात करते हैं, पहले बात करते हैं हम, लेट अस शो अ नंबर 54612 ऑन द अबेकस। पहले हम इस नंबर क्या करते हैं, अबेकस पे शो करते हैं। हमें पता है अबेकस कैसे होता है, प्लेस वैल्यू में डिवाइड हो रखा होता है। ये कहलाती है हमारी वंस डिजिट, टेंस डिजिट, हंड्रेड डिजिट्स, थाउजेंड्स एंड टेन थाउजेंड्स। तो हम इसी अकॉर्डिंग नंबर को शो करते हैं। नंबर है हमारा 54612, तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ क्या कर देंगे हम, 2 डॉट्स लगा दिए हमने। सिमिलरली 1 तो 1 6, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 4, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो 1 2 3 4 5। तो हमारे प्लेस वैल्यू क्या हो चुके हैं यहाँ पर, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड। और जो पीरियड हो चुका है हमारा, यहाँ पर कॉमा के थ्रू हमने शो किया है यहाँ पर नंबर्स को, ये हमारा वंस पीरियड है और ये हमारा थाउजेंड पीरियड है। तो इसमें हम लिख दिया है कि यहां से लेकर यहां तक जो पीरियड है वो क्या है हमारा, वंस, और यहां से बाद वाला क्या है, थाउजेंड, टू डिजिट्स तक। हमने ये भी बताया था पिछले वीडियो में कि जो वंस पीरियड है, यानी कि वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स, हंड्रेड्स पर क्या लगाते हैं हम, कॉमा शो करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं जो हमारा टॉपिक है प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो प्लेस वैल्यू पिछले वीडियो हमने पढ़ा था, एक बार हम रिवाइज करते हैं कि आखिर होता क्या है इसका मतलब। तो देखते हैं बच्चों, ये नाम से देखो स्पष्ट है वंस है, तो वंस का मतलब क्या होता है कि वन टाइम आ रखा है, कितनी बार आ रखा है, वन टाइम। तो हमें क्या करना है, वंस का मतलब या वन टाइम का मतलब उसको नंबर्स को वन से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे नंबर कितने हैं, वन और वन कितने हैं, टू। तो टू को मल्टीप्लाई किससे करनी, मुझे वन से, तो टू वन जा टू हो जाएगा। सिमिलरली जो टेंथ डिजिट है, यहाँ पर टेंथ का मतलब क्या होता है, टेन टाइम्स, क्या होता है, 10 टाइम्स। तो क्या करनी है, 10 से मल्टीप्लाई, टाइम्स मींस मल्टीप्लाई। तो यहां 1 है तो 1 को करूंगा किससे में, 10 से। एंड सिमिलरली यहां 6 है तो 6 × 100, और यहां 4 है तो 4 × 1000, एंड यहां पर 5 है तो 5 × 10000 होगा। आई बात समझ में। अब जो बच्चों हमने यहां पे जो नंबर्स लिखे हैं 2, 1 और 6, ये स्टार्टिंग जो 3 नंबर से क्या कहलाते हैं हमारे, वंस पीरियड के नंबर कहलाते हैं। और वंस पीरियड का जो सम होगा वो क्या होगा हमारा, 600 प्लस 10 प्लस 2। तो 600 प्लस 10 प्लस 2 क्या हो जाएगा हमारा, 612। एंड सिमिलरली जो हमारा थाउजेंड पीरियड है वो क्या हो जाएगा, 50,000 प्लस 4,000, दैट इज इक्वल टू 54,000। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों ध्यान से सुनना, अब हम नंबर को रीड करने वाले हैं। तो नंबर को रीड कैसे करते हैं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सुनिए। जो नंबर है हमारा ये 612, यानी कि जो नंबर है हमारा वंस पीरियड का जो नंबर है, वो इसको हम साथ में पढ़ने वाले हैं। कैसे पढ़ते हैं,
आप सबको पता होगा पिछली क्लासेज या पिछली वीडियो में बताया आपको कि नंबर को हमें पूरा पढ़ना है, एक साथ पढ़ना है। तो कैसे पढ़ेंगे? 612। क्या पढ़ेंगे? 612। लिख देते हैं बच्चों एक बार, 612। क्या पढ़ेंगे इसको? 612। और जो हमारा ये जो 1000 वाला पीरियड है उसको हम एक साथ पढ़ने वाले हैं, तो इसको पढ़ते हैं हम 50+4। क्या बन चुका है हमारा? 54000। क्या बन चुका है? 54000। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? 54000। हमने क्या रीड किया इसको? 54000। और इसको किया 612। तो नंबर्स को जब पूरा एकदम साथ में पढ़ा जाएगा तो क्या होगा नंबर हमारा? 54612। तो नंबर को पढ़ना आपको समझ में आया होगा। हम ऐसे दो तीन नंबर्स की प्रैक्टिस और करते हैं। देखिए बच्चों, अगर नंबर दे रखा हो हमारे पास 5, 2, 3, 1, 5, 2, 3, 4, 5, तो कैसे रीड करेंगे इसको? हमें नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है पहला काम, और इस नंबर को हमें पढ़ना आता है क्योंकि हमें पता है मैक्सिमम नंबर्स आ जाए तो वो हमारे पढ़ने लिए क्या होता है, थोड़ा लिटिल डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये नंबर तो हमारे लिए बहुत इजी है। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? 345। क्या पढ़ेंगे? 345। और इसको क्या पढ़ेंगे हम? 52। क्या पढ़ेंगे? 52। और साथ में क्या है, ये टेंस प्लेस पे नहीं होकर क्या है, ये 1000 प्लेस वाला नंबर है, यानी कि 1000 पीरियड वाला नंबर है। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? 52000। तो पूरा नंबर क्या होगा? 52345। ऐसे ही एक नंबर मैं आपको दे रहा हूं, आप भी इसको रीड करने की प्रयास कीजिए। तो नंबर है आपके लिए हमारे पास 62934। तो जल्दी से बच्चों एक बार इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ के देखें। तो आई होप आपने पढ़ लिया होगा। तो मैं आपके लिए एक बार दोबारा दोहरा देता हूं। तो हमें पढ़ना है पहले इस नंबर को, यानी कि पहले हमें पढ़ना है वंस पीरियड को। और वंस पीरियड को कैसे पढ़ते हैं? पूरा एक साथ पढ़ना होता है। कैसे पढ़ेंगे? 934। कैसे पढ़ेंगे? 934। और जो हमारा 1000 वाला पीरियड है उस नंबर को साथ में पढ़ना है। बस इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, उसके बाद 1000 बोलना है और लिखना भी है। तो 62 तो हमने रीड कर चुके हैं, अब बोलना क्या है यहाँ पर, हमें 1000 बोलना है। तो 62934। आई होप बच्चों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों पिछले वीडियो में हमने एक नंबर लिखा था, जो नंबर है हमारा 1 लाख। क्या है? 1 लाख। CXC डिजिट का नंबर है। इसे हम और भी तरीके से पढ़ सकते हैं, हमने इसके बारे में बात भी की थी। आज हम इसके बारे में कुछ और बातें करते हैं। देखिए बच्चों, तो नंबर लिखा हुआ 1000000 मीन्स 1 लाख। क्या होता है इसका मतलब? 1 लाख क्यों होता है, इससे पहले बात करते हैं। वी कैन ऑल्सो राइट एंड रीड दिस नंबर एज 100,000। हम इस नंबर को 100,000 भी रीड कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। कैसे? अगर हम ये जो कॉमा है केवल एक बार ही लगाएं आफ्टर वंस पीरियड, तो हम कैसे रीड करेंगे इसको? 100,000। कैसे रीड करेंगे? 100,000। रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं अपने इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में, आगे की बातें। तो नंबर है हमारा ये कौन सा? तो दिस इज अ 6-डिजिट नंबर। कौन सा नंबर है हमारा? 6-डिजिट नंबर। दिस नंबर हैज अ न्यू पीरियड। इस नंबर में क्या आ चुका है हमारे पास? एक न्यू पीरियड आ चुका है, क्योंकि हमने जो अभी तक बातें की है उसमें हमारे पास इस पीरियड को कहा गया था, हमने वंस पीरियड कहा था हमने इसको, इसको हमने कहा था 1000 पीरियड। और तो अब नंबर नया आ चुका है, तो इसके पीरियड को हम क्या कहेंगे, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इस पीरियड क्या कहेंगे? हम कहेंगे लैक्स पीरियड। क्या कहेंगे? लैक्स पीरियड। तो न्यू पीरियड कॉल्ड लैक्स पीरियड। क्या कहेंगे? लैक्स पीरियड। तो पहला पॉइंट था हमारा नंबर को रीड, इसको 100,000 भी कर सकते हैं, लेकिन आज हम कुछ नई बात करने वाले हैं। तो इसमें पहला सेकंड पॉइंट क्या हो गया हमारा, क्या कहते हैं इसको? लैक्स पीरियड कहते हैं। इस पीरियड में होता क्या है इसकी बात जानकर लेते हैं अपने थर्ड पॉइंट के अंदर। वी पुट अ कॉमा आफ्टर 1000 पीरियड।
जो हमारा थाउजेंड पीरियड है, ये हमारा वंश पीरियड था, यहाँ कॉमा लगाते थे हम, ये हमारा थाउजेंड पीरियड, यहाँ क्या लगाना है हमने एक कॉमा और लगाना है, कौन से पीरियड के लिए, लेक्स पीरियड के लिए, तो वी पुट अ कॉमा आफ्टर थाउजेंड पीरियड, किस लिए लगाते हैं, टू सेपरेट, हमें क्या करना है अपनी लेक्स पीरियड को थाउजेंड पीरियड से क्या करना है, सेपरेट करना है, टू सेपरेट द लेक पीरियड्स फ्रॉम थाउजेंड पीरियड, अपने लेक्स पीरियड को अपने पिछले वाले थाउजेंड पीरियड से क्या करना है, अलग करने के लिए क्या लगाते हैं हम, वी पुट अ कॉमा, और कॉमा कहाँ लगता है, इस थाउजेंड पीरियड के बाद लगता है, क्या लगता है, थाउजेंड पीरियड के बाद लगता है। अब हम क्या करते हैं, इस जो हमने पढ़ा है उसको जांच कर लेते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। तो एग्जाम्पल के लिए हमने लेट अस शो अ नंबर, क्या करना है, एक नंबर शो करना है, किस नंबर को, नंबर है हमारा 1,74,615। अभी तक आपको इस नंबर को पढ़ना नहीं आया होगा, लेकिन जैसे ही वीडियो कंप्लीट होगा तब तक आपको ये सब कुछ आ चुका होगा। रीड करते हैं नंबर, तो सबसे पहले क्या काम करना है हमें, इस नंबर को क्या करना है, सेपरेट करना है बाय पुट अ कॉमा। तो हमने क्या किया, हमें पता है ये नंबर जो है 615, ये नंबर जो है वंश पीरियड जो है हमारा, ये है हमारा कौन सा पीरियड, वंश पीरियड, कौन सा पीरियड हमारा, वंश पीरियड, इसको अलग से बोलना होता है, ये है हमारा थाउजेंड पीरियड, हमें इसको अलग से बोलना होता है, और ये हमारा नया पीरियड आया है जिसका नाम क्या है, लैक्स पीरियड, इसे हमें अलग से बोलना होता है। कैसे बोलेंगे, स्टार्ट करते हैं, इसका नाम क्या है हमारा, थाउजेंड पीरियड, कौन सा है, थाउजेंड पीरियड, और ये कौन सा है हमारा, लैक्स पीरियड। तो स्टार्ट करें बोलना, दोबारा बात करते हैं, अगर आपको इसके बारे में प्लेस वैल्यू की जानकारी नहीं हो तो एक बार पहले प्लेस वैल्यू की जानकारी और ले लेते हैं। हमें पता है ये नंबर कौन सा है, वंस प्लेस पर है, तो इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है हमें, वन से, तो क्या क्या हो जाएगा, फाइव। ये नंबर जो आया है हमारे टेंथ प्लेस पे आया है, तो क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है हमें, टेन से, तो क्या हो जाएगा, टेन वन टेन जब टेन, और ये नंबर जो आया हमारे वंस टेंस और हंड्रेड प्लेस पर, तो इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें हंड्रेड, तो नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सिक्स हंड्रेड। और जब हम तीनों नंबर को ऐड करेंगे तो ये पूरा ऐड करने पर जो ग्रुप बनेगा, जो पीरियड बनेगा, वो क्या कहलाएगा हमारा, वंस पीरियड। ऐड करके चेक कर लेते हैं तो इसका एडिशन आएगा हमारे पास 615, क्या आएगा, 615। एडिशन एडिशन की तरह ही करना है, गलती नहीं करनी, 6175 ऐसे कुछ नहीं करना, ठीक है, तो नॉर्मल एडिशन होता है हमारा फ्रॉम दी लास्ट, वैसे ही करना है, जिसे कहते हैं वंस पीरियड, एंड सिमिलरली थाउजेंड हो जाएगा, एंड सिमिलरली आपका लैक हो जाएगा। अब रीड कैसे करते हैं इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, नंबर को रीड करना स्टार्ट करते हैं, तो कैसे करना है, यहां से स्टार्ट करेंगे नीचे से, तो वन, ये कौन सा पीरियड हमारा, लैक्स पीरियड है, तो लैक बोलेंगे इसके बाद, तो वन लैक, क्या बोलेंगे, वन लैक, उसके बाद हमारा है 74। हमने बताया था आपको कि इस पूरे नंबर को हमने साथ में बोलना है, इस पूरे नंबर को हमें साथ में बोलना है, और इस पूरे नंबर को हमें साथ में बोलना है, लेकिन पीरियड का ध्यान रखना है, इस पीरियड के बाद जो आ रहा हो पीरियड का नाम लेना है, जिसे बोलेंगे 1 लैक, जिसे बोलेंगे साथ में बोला तो क्या हो गया 74, और बोलना क्या है पीरियड का नाम तो क्या है थाउजेंड, तो 1,74,000 ये हो गया हमारा 74,000, और इस पीरियड को साथ में बोलना है, और इसके बाद वंस होता है तो वन को बोलना जरूरी नहीं होता, तो नंबर क्या होगा हमारा 615, क्या होगा 615, तो ये हमारा नंबर क्या हो चुका है पूरा। अगर आपको समझ नहीं आया हो तो हम आपके लिए एक एग्जांपल और लेते हैं, तो जैसे हमारा एग्जांपल है 325741, सबसे पहले हम क्या करेंगे इनको, इसको कॉमा के थ्रू क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे अपने अपने पीरियड्स के अंदर। हमें पता है कि जो पहला कॉमा लगता है वंस पीरियड के बाद लगता है, और वंस पीरियड क्या आता है हंड्रेड के बाद आता है, वंस टेंस और हंड्रेड्स के बाद आता है। दूसरा लगेगा हमारे पास थाउजेंड पीरियड के बाद, थाउजेंड पीरियड का पता है हमारा थाउजेंड और टेन थाउजेंड के बाद, यानी कि यहाँ पर। और अब आपको छोटी सी हिंट मिल गई होगी सवाल करते करते, प्रैक्टिस करते करते, कि हमेशा पहला कॉमा लगेगा पीछे से थ्री डिजिट के बाद, और बाकी जितने भी कॉमा लगने वाले हैं, चाहे नंबर्स कितने भी मैक्सिमम हो जाए, प्रत्येक कॉमा क्या लगेगा, ईच कॉमा लगेगा हमारे टू डिजिट्स के बाद। तो टू डिजिट्स के बाद कॉमा लगने से क्या हो जाएंगे, नंबर हमारे सेपरेट होते जाएंगे। जैसे हमारा ये था वंस पीरियड, फिर आया थाउजेंड, फिर आया लैक, फिर लैक के बाद आने वाला है करोड़, तो ऐसे हम आगे बात करने वाले हैं।
तो इसको रीड करते हैं, हमारा कॉमा वाला काम कंप्लीट हो चुका है। रीड कैसे करेंगे, इसको पूरा पढ़ेंगे 3, इसको पूरा पढ़ेंगे 25 और इसको पूरा पढ़ेंगे 741। क्या पढ़ेंगे 741, इसको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। क्या पढ़ेंगे इसको 741। अब रीड कैसे करना है, ये कौन सा पीरियड है, लैक पीरियड है, तो क्या पढ़ेंगे इसके बाद 3 लैक, ये 1000 पीरियड है तो क्या पढ़ेंगे 25,000 और बाद में क्या पढ़ेंगे 741। तो पूरा नंबर का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपको उसको कॉपी में एग्जांपल करके भी लिखना है, तो क्या होगा 3,25,741। तो दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आगे बात करते हैं दोस्तों। हाँ बच्चों, अब हम करने वाले हैं लेट अस बिल्ड नंबर्स ओवर 1 लैक। नंबर्स जो 1 लैक की टेबल में आते हैं, 1 लैक के साथ साथ अच्छे से समझ सकते हैं हमें यह नंबर्स का यूज होने वाला है, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो नंबर अगर ऐसा आ जाए 1 लैक, तो हमें पता है इसको 1 लैक हम रीड करते हैं, लेकिन 1 की जगह यहाँ पर आ जाए 2, तो क्या रीड करेंगे 2 लैक। बच्चों एक बात को ध्यान रखें, अब हम सोच रहे होंगे सर आपने 1000 यहाँ बोला नहीं है, केवल 1 के बाद वाले नंबर को आप बोल रहे हो, तो जब नंबर्स के बीच में 0 आ जाए, जब नंबर्स के सारे ही पीरियड्स में क्या आ जाए 0 आ जाए, पीरियड में 0 आना जरूरी बच्चों, बीच में 0 आना से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे नंबर अगर ऐसा हो चुका है 1 0 4 3 0 0, अब नंबर को कैसे रीड करने वाले हैं दोबारा देखिए, यहाँ पढ़ेंगे इसको पहले 1 लैक, यहाँ देखो 0 आ चुका है, लेकिन इस 0 से कोई मतलब नहीं है, नंबर को पूरा साथ में पढ़ने वाले हैं, उसको क्या पढ़ेंगे 4000, क्या पढ़ेंगे 4000 और इसको पढ़ेंगे 300, तो उसका नंबर पूरा क्या होगा 1,04,300। लेकिन इसकी जगह यहाँ पर जो 0 है यहाँ आ जाता, तब क्या रीड करते हैं 1,40,000, पूरा रीड करेंगे दो नंबर्स को साथ में यहाँ पर 1,40,300, तो यहाँ भी पूरा बोलना पड़ेगा हमें, लेकिन यहाँ पर ऐसा ना होकर यहाँ ऐसा आ जाता। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों बच्चों, 1 लैक नहीं है नंबर ही, तो इसको रीड ही नहीं करना। अब तो 1000+1000 जो पीरियड है वो है ही नहीं, तो रीड नहीं करना वहां पर, डायरेक्ट रीड करेंगे 1,03,00,000, क्या करेंगे 1,03,00,000, आया समझ में। तो ऐसे क्या करेंगे रीड हम 2,03,04,05,06,07,08,09,00,000, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन है बच्चों आपके और मेरे दोनों के लिए, हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो देखिए बच्चों राइट द नंबर्स 4, 3, 4, 6, 4, 5, इस नंबर को राइट करना है इन वर्ड्स, इनको वर्ड्स में लिखना है आफ्टर पुटिंग अ कॉमा टू राइट द प्लेस, राइट प्लेस पे कॉमा लगाकर क्या करना है नंबर्स को लिखना है इन इंडियन नंबर सिस्टम। हम जो बात करने वाले हैं वो इंडियन नंबर सिस्टम की ही बात कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। नंबर सिस्टम का हमारा एक और टाइप होता है जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कौन से नंबर सिस्टम की, इंडियन नंबर सिस्टम। तो मैंने बताया था बच्चों आपको कि जो स्टार्टिंग पीछे से जो 3 डिजिट्स है वो कहलाते हैं हमारे वंस पीरियड, तो हम इसे क्या करेंगे वंस पीरियड है ये हमारा, फिर पीछे के 2 डिजिट कहलाते हैं इसके बाद वाले वो कहलाते हैं हमारे 1000 पीरियड, और जो लास्ट में जो 2 पीरियड और आने वाले हैं 2 नंबर्स वो कहलाते हैं हमारे लैक्स पीरियड। तो ये आपको समझ में आया होगा, हमने बताया है आपको इस पीरियड के बाद लगाते हैं कॉमा और इस पीरियड के बाद लगाते हैं कॉमा, तो आपको कॉमा लगाना आ गया होगा। अब नंबर को हमें रीड करना है, कैसे रीड करेंगे देखिए बच्चों, इस नंबर को साथ में रीड करना है, इस नंबर को साथ में रीड करना है और इस नंबर को साथ में रीड करना है, कहने का मतलब पीरियड्स को रीड करना है, क्या करना है पीरियड्स को रीड करना है। तो कैसे रीड करेंगे, इस पीरियड का नाम है हमारा लैक, इस पीरियड का नाम है हमारा 1000 और इस पीरियड का नाम है हमारा वंस, और वंस पीरियड को हमें नहीं पढ़ना होता तो कैसे पढ़ेंगे 4 लैक्स, कैसे लिखेंगे 4 लैक, यहाँ पर एस नहीं लगाते हैं जो नंबर्स को रीड कर रहे होते हैं, तो 4 लैक, फिर क्या रीड करेंगे 34, क्या रीड करेंगे 34, और जो पीरियड है पीरियड का नाम क्या होगा 1000, यहाँ लिखेंगे 1000 और नंबर पूरा क्या है इसको रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसका नाम है 645, यहाँ लिखेंगे 645। बच्चों ये 40 की स्पेलिंग है, इसको विशेष ध्यान रखें, यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए,
फोर्टी की करेक्ट स्पेलिंग यही होती है एफ ओ आर टी वाई, क्या होती है एफ ओ आर टी वाई, क्या होती है एफ ओ आर टी वाई। तो नंबर्स का पूरा नाम क्या हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक नंबर ने पूरा रीड कर चुके हैं 434,645। आने वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज जिसका नंबर है एक्सरसाइज नंबर 3। थैंक यू बच्चों, स्टे होम स्टे सेफ।